बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन के मुताबिक, आईन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक बेहतरीन फैसला दिया है और मैं समझता हूं कि आज आईन की फतह हुई है। जो लोग आईन की पामाली करने पे तुले हुए थे, जिन लोगों ने और स्पेशली पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरह माफिया का रोल अदा कर रहे थे और जिस तर्ज अमल से अदलिया की तजहीक कर रहे थे, उनको मलाइन कर रहे थे और उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आई और उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है और नज़रिया ज़रूरत को एक दफ़ा फिर दफन कर दिया है। और हम लीगल फ्रटर्निटी, वकला, बार एसोसिएशंस और बार काउंसल्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम एक दफ़ा फिर तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं बनेगा, अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करेगा और मौजूदा हुकूमत भी, पीडीएम भी अपने तर्ज अमल पे नज़रसानी करेगा और इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। और अगर उन्होंने रुकावट की तो अदलिया ने आज ये बेहतरीन फैसला दिया है, 10 और 17 अप्रैल को उनको दोबारा इजाज़त दे दी है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर वो कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट की अगर हुक्मदूली की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा, तोहीन अदालत का भी और आईन की तोहीन का भी, यानी आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग भी हो सकती है। थैंक यू।